एक जंगल में कौवा और चिड़िया दोनों बहुत स्नेहपूर्वक से रहते थे। वे एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे के बच्चों का देखभाल भी प्यार से करते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया आपस में बात करते समय एक तोता उनके पास दौड़ती हुई चली आती है। बचाओ, बचाओ, मित्रों बचाओ। ऐसा कहते हुए तोता डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ दोस्त, भागती हुई कहां से आ रही हो? क्यों इतनी घबराई हुई हो? गलती से मैं अपने परिवार से लापता होकर एक शिकारी के नजर लग गई। वो मेरा पीछे करते समय बचने की कोशिश में रास्ता भूलकर भागते हुए देखी तो आप दोनों दिखाई दिए। ठीक है दोस्त। ठीक है कहकर कौवा और चिड़िया ने तोता का आदर किया। तोता को उसके घर के पास जाने का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए तोता कौवा और चिड़िया के साथ रहकर उनकी दोस्त बनी। कौवा और चिड़िया का स्नेहपूर्वक व्यवहार तोता ना देख सकी और धीरे धीरे उसको उनके ऊपर ईर्ष्या द्वेष शुरू होने लगा। तोता किसी भी तरह दोनों को अलग करना चाहती थी। एक दिन कौवा आहार के लिए बाहर जाते समय तोता ने चिड़िया से, दोस्त तुम क्यों कौवे से इतनी स्नेहपूर्वक से रहती हो? क्यों तुम उसका इतना सम्मान करती हो? क्या तुमने कभी सोचा है, वो मरा हुआ और सड़ा हुआ मांस खाती है। वो बहुत काली रहती है, अगर वो किसी के सिर छुए तो अशुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, मरने के बाद रखे भ्रूण पिंडों को लाकर तुम्हारी बच्चों को खिलाना मैंने बहुत बार देखा। मुझे गलत मत समझो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा तोता कहने पर चिड़िया सोचने लगी, तुमने ठीक कहा दोस्त, इतने दिन मैंने उस काली कौवा के बारे में नहीं सोचा। उससे मेरी दोस्ती क्या? तुम्हारी जैसी सुंदर तोते से दोस्ती करने से मेरा मूल्य बढ़ेगा। तोता की योजना साकार हुई और उससे वह खुश हुई। कौवे ने चिड़िया और तोता में आए परिवर्तन को देखने लगी। दोस्तों, मेरे और मेरे बच्चों के वजह से अगर तुम्हें कोई बाधा हुई तो माफ कीजिए। इसलिए पास रहे पेड़ के ऊपर मैंने एक घोंसला बनाया। मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ चली जाऊंगी। ठीक है दोस्त, तुम्हारी मर्जी। कौवा अलग जाने के संदर्भ में दोनों पार्टी मनाते हैं। इस तरह थोड़े दिन बीतते गए। एक शिकारी तोते पर बाण से वार करते हुए कौवे को दिखाई देता है। तब कौवा घबरा कर तोता की रक्षा करने सोचते समय उधर एक जगह मरा हुआ सांप दिखाई देता है। उसको अपने मुंह में लेकर शिकारी के ऊपर डाल देती है। यहाँ से चली जाओ तोता, चली जाओ, खतरा है, खतरा है। यह सब देखकर तोता का दिल घबराया और उड़ गया। भागती हुई तोता आके कौवे के पैरों पर पड़ जाती है। मुझे क्षमा करो दोस्त, सुंदरता के गर्व से आश्रय दिए तुमसे मैंने विश्वासघात किया। मैंने ईर्ष्या द्वेष से तुम दोनों को अलग किया, पर आज तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ करो दोस्त। पश्चाताप ही सबसे बड़ी शिक्षा है दोस्त, मैंने दिल से माफी किया। जो हुआ सब भूलकर अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह तीनों मिलकर खुशी से रहने लगे।